बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम HM3D की तरफ से जी तमाम नाज़रीन को जी वेलकम। देखें जी, ये वाई के वॉच का एक नया वर्जन आया है जो 2020 में भी वर्क करता है, लेकिन 2021 और 22 के लिए ये फेवरेट है। तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मिलकर इंस्टॉल करते हैं इसको। देखें जी, वाई के वॉच का ये ऑप्शन, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं जी। ये अनइंस्टॉल हो गया जी, और उसके बाद मैं इसको क्लोज भी कर रहा हूँ। ये जी क्लोज हो गया। तो मेरे पास देखें, ये फाइल पड़ी हुई है, इसको मैं ओके करता हूँ। वाई क्यू आर्च एक्सट्रैक्ट की हुई है, SYS, इसको ओपन किया, और उसके बाद देखें ये सेटअप एक्जी फाइल पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक करके इसको यस करें। यस करने के बाद ये लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करें, और उसके बाद ये देखें सी ड्राइव वाई क्यू आर्च डेस्कटॉप, ये उसमें वो इंस्टॉल हो गया है। ओके कर दें इसको, एंड ऑफ कर दें। खलास जी, ये इंस्टॉल हो चुका। अब हम अपने ऑटोकैड में आते हैं। ऑटोकैड ये ओपन हो रहा है, तो इसमें दो तीन चीज़ें नई आई हैं। तो सबसे पहला तो इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि ये इजी इंस्टॉलेशन है, जस्ट ये इंस्टॉल हो गया है, जस्ट विद इन वन क्लिक ये इंस्टॉल हो गया। ये पहले वाला वर्जन था, उसमें थोड़ी सी वो लेंथी था वो, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। ये देखेंगे ये आइकॉन आ गए, ये जो लैंग्वेज, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये भी आ गई है। तो क्या करते हैं, हमें इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद फर्स्ट वाला, और ये YQS सेज SYS। अगर आप यहाँ से करेंगे तो भी ठीक होगा, अगर आप कमांड बार से करेंगे तो भी ठीक होगा। YQ, देखें ये YQ सेज इसमें करेंगे। देखें ये लैंग्वेज आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ज़ीरो कर देना है। इसको ज़ीरो जो है इंग्लिश में है, और वन जो है अरबी में है, या आई डोंट नो ये किस में है। तो ज़ीरो के बाद एंटर नहीं करना, सिर्फ इसको क्लोज करना है। जब क्लोज करोगे तो फिर ये सेव के ऑप्शन मांगेगा, इसको सेव करेंगे। तो अब ये देखें जी ये वाई क्यू आर इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका, और यहाँ पर भी इसके आइकॉन बन गए। और इसको चेक कर लेते हैं, और ये है कि वाई क्यू यूनिट सेट कर लें, यूनिट्स ये मीटर में, ओके। SD इसका स्केल ड्राइंग में स्केल सेट कर लें, ओके। स्पेस बार, और उसके बाद अभी DD करके इसको देखें, चेक करते हैं ये F8 प्रेस करके इसको 10 मीटर में सही है, स्केल भी सही है, और ये इंस्टॉल भी हो गया है। अगर मज़ीद चेक करना है इसको, वही क्यू आर्च के वाल पैनल में आ जाए, ड्रा वाल कर लें, ये जो वाल ड्रा हो गई। इसी तरह अगर लाइन से करनी है तो PL, FL देखते हैं कि बराबर, जैसे एक फर्जी से ऐसे बना देते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाएं, वाई क्यू आर्च वॉल एक्सेस लाइन विद टू वॉल, यस वॉल थिकनेस 0.2, ये जी वॉल ड्रा हो गई। विंडो भी लगा देते हैं, वॉल पैनल विंडो, ड्रा विंडो, ये यहाँ से यहाँ पर डोर किया था हमने, ड्रा विंडो कर लेते हैं, या पिक विंडो कर लेते हैं, पिक विंडो कर लेते हैं, लाए ये जी विंडो ड्रा हो गई। वाई क्यू आर्च ड्रा डोर ओपन वॉल,
यही हो गया। अगर इसमें जे जे में कर लें, ये ओके करें डबल जे कमांड में, तो ये यहाँ से अगर इसमें हमने एक्सेसरीज लगानी है तो वो वाल पूछ रहा है। ये देखें जी, ये इतना सही है जी, ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका। इसमें एक और चीज़ भी है, वाई क्यू वॉच में सिस्टम सेटअप में, सिस्टम सेटअप में अगर आपने ये आइकॉन और जो ये बार है टूल बार, अगर इसको आपने हाइड करना है तो उसके लिए देखें सिस्टम में है और ये हाइड वाई क्यू वॉच टूल बार, तो ये हाइड हो चुकी, आपके पास स्पेस ज़्यादा हो गई है। अब दोबारा अगर अनहाइड करना है तो सिस्टम में और शो वाई क्यू वॉच कर देंगे, तो ये हो गया। यहाँ से यहाँ पकड़ के यहाँ रख, अब उसके ऊपर एक और भी होगा, तीनों ये आ गए जी। ये चार हो गए। तो इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आया नया, वाई क्यू वॉच में जाने सिस्टम सेटअप में, सिस्टम सेटअप के बाद ये देखें जी वाई क्यू वॉच अन इंस्टॉल, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे ओके कर देंगे तो ये आपके सिस्टम से अन इंस्टॉल हो जाएगी, तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस वक्त फिर इनको इसको आप इंस्टॉल कर लें। ओके जी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू सर।